कैंडिड वी जेल जो है इसके बीच में क्लोट्राइमाजोल 2% जो है प्रेजेंट होता है, जो कि एक एंटी फंगल जेल है और जिसको कि वेजिनल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए यूज में लाया जाता है। कैंडिड वी जेल जो है जिस सिंपली फंगस को जो है डिस्ट्रॉय कर देती है और जिससे कि इन्फेक्शन जो है वो नहीं फैल पाती है। तो ये जेल जो है सिंपली वेजिनल बर्निंग जो है तो उसको जो है रिड्यूस कर देती है, वेजिनल ईचिंग को रिड्यूस कर देती है, या फिर कोई एबनॉर्मल डिस्चार्ज होता है तो उस चीज को भी जो है ये रोक देती है, क्योंकि ये सारी सारी कंडीशंस जो हैं ये फंगल इन्फेक्शंस के द्वारा जो है होती हैं। क्लोट्राइमाजोल जो है ये एक एक्टिव इंग्रेडिएंट के तौर पे जो प्रेजेंट होता है कैंडिड वी जेल के बीच में, जो कि सिंपली फंगल सेल मेम्ब्रेन के साथ जो बाइंड हो जाता है और उसकी ग्रोथ को जो है रोक देता है, और जो परमेबिलिटी होती है सेल मेम्ब्रेन की तो उसको भी जो है ये चेंज कर देता है। अर्गोस्टिरोल जो है ये एक एसेंशियल प्रो विटामिन होता है फंजाई का, फंजाई के सर्वाइवल के लिए। क्लोट्राइमाजोल जो है उसका मेन टारगेट ही अर्गोस्टिरोल होता है जो कि सेल मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट होता है। कैंडिड वी वेजिनल जेल जो है ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंजीसाइड है और जो कि फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए यूज में लाई जाती है। अगर वेजिनल यीस्ट इन्फेक्शन है तो उसको भी ट्रीट करती है ये, वेजिनल वर्निंग है, ईचिंग है, या फिर फंगल इन्फेक्शन है डर्मल में, या फिर फंगल इन्फेक्शन है ग्रॉइन में, जो फिर फंगल इन्फेक्शन है बुलवा में, जो फिर फंगल इन्फेक्शन नेपी रैशेस की वजह से जो है हो रही है, या फिर किसी दूसरी कंडीशन की वजह से जो है इन्फेक्शन हो रही है, तो उन सब कंडीशंस के बीच में कैंडिड वी जेल जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन्फेक्शन को क्लीन करने के लिए। तो आप लोगों को जो है इस जेल को यूज करने से पहले भी और यूज करने के बाद भी अपने हाथों को अच्छे से जो है वॉश करना है। कैंडिड वी जेल जो है इसको आप लोगों को जो है वेजिनल इन्फेक्शन के लिए ही यूज करना है और किसी दूसरी स्किन कंडीशन के लिए इसको यूज नहीं करना है। तो आप लोगों को जो है इस कैंडिड वी जेल को जो है किस तरह से यूज करना है, किस तरह से अप्लाई करना है, तो इस ट्यूब के साथ आप लोगों को एक एप्लीकेटर मिलेगा, उस एप्लीकेटर को आप लोगों को जो है ट्यूब के साथ अटैच कर देना है और जेल की ट्यूब को आप लोगों को धीरे से पीछे से जो है प्रेस करते रहना है, और धीरे धीरे जो है जेल जो है वो सिलेंडर के बीच में फिल होना स्टार्ट हो जाएगी। फिर उसके बाद आप लोगों को एप्लीकेटर को जो है ट्यूब से रिमूव कर देना है और ट्यूब की कैप को जो है बंद कर देना है। फिर उसके बाद आप लोगों को एप्लीकेटर को अपने हाथ में जो है पकड़ लेना है, और फिर उसके बाद आप लोगों को जो है एप्लीकेटर को अपने वेजिना के बीच में डालना है, जितना डीपली हो सके उतना जो है डालना है और जितना आप लोग जो है कंफर्टेबल महसूस करो। फिर उसके बाद आप लोगों को पीछे से जो है प्लंजर जो है उसको कम्प्लीटली जो है प्रेस करते रहना है धीरे धीरे आगे की साइड, और जैसे ही जो है वो एप्लीकेटर पूरा का पूरा कंटेंट जो है जब एम्प्टी हो जाएगा उसके बाद आप लोगों को एप्लीकेटर को जो है वेजिना से जो है निकाल देना है। एप्लीकेटर को यूज करने के बाद आप लोगों को अच्छे से जो है क्लीन कर देना है, और क्लीनिंग के लिए आप लोग जो है सोप का यूज कर सकते हैं और नॉर्मल पानी का आप लोगों को यूज करना है। अगर हम लोग जो डोसेज की बात करें तो वन एप्लीकेटर जो है अगर फुल होगा तो उसके बीच में 5 ग्राम जो है कैंडिड वी जेल जो है होगी, और उसको आप लोगों को डीपली जो है वेजिना के बीच में इंसर्ट करना है डेली, और इसको आप लोगों को जो है सोने से पहले जो है करना है और 6 दिन तक जो है आप लोगों को कंटिन्यूसली करना है इसको। आप लोगों को जो है इसके नाइट में यूज करने के जो है ज्यादा बेटर रिजल्ट्स जो है देखने को मिलेंगे। तो आप लोगों को जो है इस ट्रीटमेंट को जो है मेंस्ट्रुएशन पीरियड के दौरान जो है नहीं करना है, और कैंडिड वी जेल जो है ये कलरलेस होती है और इससे कोई भी स्टेन वगैरह जो है नहीं लगती है स्किन को और ना ही क्लॉथिस को। अगर हम लोग जो कॉमन साइड इफेक्ट्स की बात करें तो इसे जो है वेजिनल बर्निंग सेंसेशन हो सकती है, एप्लीकेशन साइड्स के ऊपर इरिटेशन हो सकती है, स्वेलिंग हो सकती है, स्किन पीलिंग हो सकते हैं, स्किन के ऊपर शीले जैसे पड़ सकते हैं, शाले जैसे पड़ सकते हैं, ब्लिस्टर्स, या फिर वेजिनल ईचिंग हो सकती है, पेन हो सकती है, रैशेस हो सकते हैं। ये कुछ टेम्पररी साइड इफेक्ट्स होते हैं जो कि डिसअपीयर हो जाते हैं खुद ब खुद कुछ समय के बाद। कैंडिड वी जेल जो है जो एक एंटी फंगल मेडिसिन है जिसको कि जनरली यूज किया जाता है इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए, जो कि फंजाई के द्वारा कॉज्ड होती है अडल्ट्स के बीच में, और ये जो है सिंपली स्टॉप कर देती है जो ग्रोथ होती है फंजाई की, और आप लोगों को जो है सिम्टम से जो है रिलीफ प्रोवाइड करती है और इन्फेक्शन को जो है क्लियर कर देती है। ये मेडिसिन जो है आप लोगों को जो है पेन से रिलीफ प्रोवाइड करेगी और ईचिंग से जो है रिलीफ प्रोवाइड करेगी, और साथ में ही डिस्चार्ज होगा उसको भी कम कर देगी। तो आप लोगों को जो है इस मेडिसिन को कंटिन्यूसली यूज करना है जितने समय के लिए आप लोगों के डॉक्टर ने आप लोगों को बोला है। अगर आप लोग जो है बेटर फील भी महसूस करते हैं तो आप लोगों को फिर भी जो है इसका पूरा कोर्स करना है। अगर आप लोग जो है कंप्लीट कोर्स करते हैं तो आप लोगों के जो इन्फेक्शन के वापस आने के चांसेस हैं वो बिल्कुल ही कम हो जाएंगे। तो आप लोगों को जो है इस कैंडिड वी जेल को जो है बच्चों से जो है दूर रखना है। अगर हम लोग जो है प्राइस की बात करें तो 30 ग्राम की ट्यूब जो है जी आप लोगों को 122 रुपए की मिल जाएगी। जब कभी भी आप लोग किसी भी मेडिसिन को कहीं से भी खरीदें तो उसकी एक्सपायरी डेट को चेक करके ही खरीदना चाहिए।